Good afternoon, students. This is Satish Kumar, and in this video, we'll be discussing about pressure, which is a chapter of class 8 standard. So, आपने इससे पहले जितने भी chapters पढ़े हैं, उसमें आपने forces के बारे में पढ़ा है और उनके effects के बारे में पढ़ा है. हम इस chapter में force के ही एक effect के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम pressure कहते हैं. So, basically, pressure होता क्या है, students? जैसा आपको इस slide के अंदर दिखाई दे रहा है. The effect of force on a given area is called pressure. किसी भी particular area पे जो force का effect होता है उसे हम pressure कहते हैं. तो जैसा कि मान लो, and the formula of this pressure is force upon area. ठीक है, जैसे मान लो आप किसी भी चीज़ को अगर push कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप push या pull कर रहे हैं, तो जिस particular area के ऊपर आप वो force लगा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, एक pressure generate होगा. और वो depend करेगा किसके ऊपर, force और area के ऊपर, कि कितना फोर्स लग रहा है और कितने एरिया के ऊपर लग रहा है, देन ओनली यू कैन क्लासिफाई अबाउट द प्रेशर. तो इसके फॉर्मूला से, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस स्लाइड के अंदर, हम इसका रिलेशन निकाल सकते हैं प्रेशर का फोर्स के साथ और एरिया के साथ रिलेट करके. किस तरह से, द लेसर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ गिवन बॉडी द मोर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट. मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर कम होगा किसी भी बॉडी का जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो वहाँ पे सब ज़्यादा क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा. क्यों? फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपके पास कोई मोटी थिक चीज़ है, ठीक है, उससे अगर आप अपने हाथ पे प्रेस करेंगे तो इतना ज़्यादा आपको पेन नहीं होगा, इतना ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होगा आपको आपके हाथ पे. बट अगर उसी टाइम पे कोई निब या अगर आपके पास कोई निडल है, अगर उस चीज़ से आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो हो सकता है कि वो पिंच करके आपके हाथ में भी घुस जाए, ठीक है, वहाँ पे पियर्स करके. तो वो क्यों हो रहा है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर आप एक मोटी थिक चीज़ की बात कर रहे हैं तो उसका एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एरिया ऑफ निडल, और निडल का एरिया क्या है, बहुत ही कम है, तो इसीलिए वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा. सेकेंड चीज़ क्या आ जाती है, द मोर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द गिवन बॉडी लेसर इज द प्रेशर इट विल एक्सर्ट. जितना ज़्यादा एरिया बढ़ जाएगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा. अब फोर्स के लिए अगर हम बात करते हैं, द मोर द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी द मोर विल विद द प्रेशर. जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, उस बॉडी के ऊपर प्रेशर लगेगा. एंड वी हैव जस्ट डिफाइंड द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ फोर्स, सो प्रेशर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अनदर फोर्स कॉल्ड थ्रस्ट. इसी तरह से अगर आप कोई फोर्स किसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली लगा रहे हैं, मतलब कोई फोर्स किसी सरफेस के ऊपर जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लगेगी, जैसा यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, नीचे ए एरिया है और फोर्स ऊपर से कैसे लग रही है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लग रही है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं. ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलरली टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट. तो आप प्रेशर का फॉर्मूला एक और बना सकते हैं यहाँ से, इट विल बिकम प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. फोर्स की जगह आप यहाँ पे थ्रस्ट भी लिख सकते हैं, तो भी क्या होगा, ये वैलिड होगा. अब प्रेशर को नापने के लिए भी क्या होती है, एक यूनिट होती है. जैसे हर चीज़ को नापने के लिए, हर क्वांटिटी को नापने के लिए हमारे पास एक यूनिट होती है, इसी टाइप से प्रेशर को भी मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होती है, जिसे हम कहते हैं पास्कल. किसी भी जगह का या किसी भी सरफेस के ऊपर लगने वाला प्रेशर अगर हमें मेजर करना है, तो वो हम किस में मेजर करेंगे, पास्कल में मेजर करेंगे. अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कि जो प्रेशर होता है ये कहाँ कहाँ पे वैलिड होता है या कहाँ कहाँ पे लगता है. तो जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, देर आर लॉट मैनी फिगर्स एक्सप्लेनिंग द वाइड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर. तो पहला इसके अंदर अगर हम लेते हैं, तो कैमल का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं या पोलर बियर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कि वो इतने बड़े एनिमल्स होते हुए भी, जैसे पोलर बियर जो होता है वो आइस के ऊपर ईजिली मूव कर लेता है, और जो कैमल होता है वो सैंड के ऊपर ईजिली मूव कर लेता है, तो वो क्यों ऐसा है, क्यों इतना ईजिली मूव कर पाते हैं. तो उनका ईजिली मूव करने का प्रिंसिपल क्या है, कि उनके जो फीट्स होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, उनका एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और जब उस ज़्यादा एरिया के साथ वो सैंड पे या फिर उस चीज़ पे, स्नो पे चलता है जो पोलर बियर होता है, तो उनके पैरों पे लगने वाला प्रेशर क्या होता है, बहुत कम होता है. इसीलिए वो उनके पैर उस पर्टिकुलर सैंड के अंदर या स्नो के अंदर घसते नहीं है, और वो ईजिली उसके ऊपर क्या होते हैं, चल पाते हैं, ठीक है. तो ये रीज़न है. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम बैक की स्ट्रैप की बात करें, इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारे बैक की स्ट्रैप होती है जिसकी वजह से हम बैक को हैंग करते हैं अपनी बैक पे, तो वो जो स्ट्रैप होती है वो काफ़ी ब्रॉड होती है, ठीक है, काफ़ी ब्रॉड होती है, थिक होती है, और उसके अंदर कभी कभी तो स्पंज की कोटिंग भी होती है. तो उसके ब्रॉड और थिक होने का रीज़न क्या है, या उसके अंदर स्पंज की कोटिंग होने का रीज़न क्या है, जितना ज़्यादा उसका एरिया बढ़ेगा उतना ही कम वो क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी हमारे शोल्डर्स पे, और उतना ही कम पेन होगा हमें. क्योंकि अगर वो चीज़ हम नैरो बना देंगे, तो बैग्स के अंदर बुक्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं हमारे, और वो चीज़ अगर नैरो होगी
तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा एंड वहाँ पर जहाँ पर भी हम बैक को हैंग करेंगे अपने शोल्डर्स के ऊपर, वहाँ पे रेड मार्क्स आ सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है हमें। ये चीज़ आप खुद भी वो करके देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बकेट के हैंडल्स जो होते हैं, जो लोग कुछ चीज़ें सेल करते हैं बकेट्स में, वो बकेट के हैंडल्स के ऊपर कपड़ा लपेट के रखते हैं, बहुत सा ज़्यादा मोटा सा बना के रखते हैं। उसको बनाने का रीज़न क्या होता है कि जब वो बकेट के हैंडल को लिफ्ट करें तो उनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाए, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ने से प्रेशर कम लगेगा तो उनके हाथ पे जो वो होता है, जो पेन होता है, वो कम होगा। और अगर आप सिंपल डायरेक्टली बकेट को एकदम पतले से हैंडल से उठाएंगे तो आपके हाथ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ने की वजह से आपको ज़्यादा पेन होगा। तो इस चीज़ से भी इसे रिलेट किया जा सकता है, जो बैक का स्ट्रैप वाला एग्जाम्पल है। देन एक और एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाता है, जैसे कि अगर आप ग्राउंड पे वॉक कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड, सो इट विल बी ऑलवेज ईजियर फॉर यू टू वॉक विद फ्लैट शूज़। अगर आपने फ्लैट शूज़ या फ्लैट स्लीपर्स पहने तो उसकी वजह से आप इजीली वॉक कर पाएंगे, ठीक है। बट अगर आपने हील्स वाली चीज़ पहनी है कोई, तो आप इतना इजीली वॉक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हील वाली चीज़ क्या करेगी, वो बार बार, क्योंकि नीचे से शार्प होती है, पॉइंटेड होती है, उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ग्राउंड के साथ बहुत कम होता है, तो वो ग्राउंड में हो सकता है ज़्यादातर पियर्स करके धस जाए, तो उसकी वजह से हम इजीली नहीं मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो वही प्रिंसिपल है, ब्रॉड एरिया होने की वजह से कम प्रेशर लगेगा, आप इजीली मूव कर पाएंगे, और अगर एरिया कम हो जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और प्रेशर ज़्यादा लगने की वजह से वो चीज़ धस जाएगी उसके अंदर, जिस भी सरफेस के ऊपर हम वॉक कर रहे हैं, एंड विल नॉट एबल टू मूव इजीली। इसके अंदर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक वुड पैकर जो होता है, वुड पैकर जो आपने देखा होगा बर्ड होता है, जो ट्रंक्स के अंदर अपना वो बना के रहता है, घर बना के रहता है, तो उसकी जो बीक होती है वो बहुत पॉइंटेड होती है और बहुत शार्प होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जब वो उसको पेड़ पे हिट करता है तो जो पेड़ का स्टेम होता है या जो पेड़ का ट्रंक होता है उसके अंदर धीरे 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 होल बनता चला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वो फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से जो प्रेशर का इम्पैक्ट उस सरफेस पे जा रहा है पेड़ की, वो बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, और इस वजह से वो उसके अंदर ईजिली फिर अपना घर बना लेता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास, इट इज़ ईजियर टू कट एन एप्पल फ्रॉम अ शार्पर साइड देन ब्लंट साइड बिकॉज द शार्पर साइड हैज़ लेस एरिया। अगर आपके पास दो नाइफ हैं, एक ब्लंट है और एक शार्प है, तो आप हमेशा फ्रूट या वेजिटेबल्स को जब आप कट करेंगे तो आप किस साइड से कट करेंगे, शार्प वाली साइड से कट करेंगे। क्यों? क्योंकि शार्प वाली साइड से कट करने पे क्या होगा, बहुत एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो नाइफ का एप्पल के साथ आएगा या किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल के साथ आएगा वो बहुत कम होगा, और कम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ आपकी ईजिली क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। एंड ब्लंट नाइफ में क्या होगा कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, तो उतनी ही ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी उसको काटने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज द टिप ऑफ सुइंग नीडल इज मेड शार्प सो एज टू पुट लार्ज प्रेशर ऑन वेरी स्मॉल एरिया ऑफ क्लॉथ। जो नीडल होती है आपकी, जिससे सिलाई मशीन की जो नीडल होती है, उसको कैसा बनाया जाता है, बहुत शार्प और पॉइंटेड बनाया जाता है। तो उसे शार्प और पॉइंटेड बनाने के पीछे क्या रीज़न है, उसे शार्प और पॉइंटेड बनाने के पीछे रीज़न ये है कि क्लॉथ के एरिया पे जब वो प्रेशर डाले तो वो बहुत ज़्यादा हो, और ताकि उसके अंदर वो इजीली पेयर्स करके घुस जाए और उसकी सिलाई कर दे, ठीक है ना, तो इसलिए उसे ऐसा बनाया जाता है। एंड द स्काइज यूज्ड बाय स्कायर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द स्नो। जो स्कीज होती हैं, जो स्कीज जिससे स्कीज करते हैं स्नो, उसके ऊपर, स्नो के ऊपर, तो उनके उन्हें किस टाइप का बनाया जाता है, उन्हें लंबा और फ्लैट बनाया जाता है, ताकि जिसकी वजह से वो प्रेशर कम एग्जर्ट करें स्नो के ऊपर और इजीली उसके ऊपर स्लाइड करें। जो स्कीइंग के लिए जाते हैं लोग स्नोई एरियाज़ में, तो वहाँ जो स्कीज जो होती हैं, जो फट्टियाँ होती हैं जिनके ऊपर रखे पैर बेसिकली लोग फिसलते हैं, तो उनको लंबा और फ्लैट बनाया जाता है ताकि वो कम प्रेशर क्या करें, एक्वायर करें। तो अब जैसे यहाँ पे है आपके एक और एग्जांपल अगर हम दें, तो जैसे आर्मी के टैंक्स होते हैं, उनका वेट जो होता है बहुत थाउजेंड्स ऑफ टन होता है, पूरा लोहे के बने होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, एंड दे रेस्ट अपॉन अ कंटिन्यूस चेन। और वो किसके ऊपर चलते हैं, एक चेन होती है उसके ऊपर चलते हैं। दिस चेन इज़ अ वाइड स्टील बेल्ट प्रोवाइडेड ओवर द व्हील्स ऑफ द टैंक सो दैट दे एग्जर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड। अगर हम लोहे के टायर्स, जो लोहे के व्हील्स होते हैं टैंक के, उनको डायरेक्टली लैंड के ऊपर हम चलाएंगे तो वो धस जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी वजह से उनका एरिया कम होता है और प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो वो धस जाएंगे और इजीली मूव नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए उनके चारों तरफ उनको सराउंड करके एक कन्वीनियर बेल्ट लगाई जाती है, जिसके ऊपर वो ईजिली रेस्ट करते हैं और उसी की हेल्प से वो क्या करते हैं, चलते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि जो बेल्ट होती है वो काफ़ी ब्रॉड होती है और प्रेशर क्या होता है, बहुत कम लगता है। ओके, सो दिस इज़ वॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर स्टूडेंट्स। I hope you understand what I have discussed with you so far about the pressure, thrust and all these concepts.
So thank you very much for listening so far. This is what for today's class.